Hey everyone, so welcome back to my channel. So today in this video I'm gonna show you रक्षा बंधन मेकअप लुक. सो गाइस टाइटल थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं कोई भी तरह का फाउंडेशन, कोई भी तरह का कंसीलर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट से ही पूरा का पूरा मेकअप करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स होती है जिसको हैवी मेकअप नहीं पसंद होता है, स्पेशली रक्षाबंधन के त्योहार पे, क्योंकि हमारे मेकअप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना हमारे ब्रदर्स लोग होते हैं. जब भी हम उन लोगों के सामने मेकअप करके जाते हैं तभी ऑलवेज हमको चिढ़ाते रहते हैं कि कितना ज्यादा मेकअप करके आइए, मेकअप का पूरा का पूरा डब्बा लगा के आइए, ये वो ये सब मस्ती करते रहते हैं ऑलवेज. सो मैंने आज सोचा कि रक्षाबंधन के त्योहार पे मैं सिंपल और सटल सा लुक आपके साथ शेयर करूँ. और गाइस ये मेकअप बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ 5 मिनट्स में ये मेकअप हो जाता है. सो गाइस चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो. सो गाइस मैंने यहाँ पे फेस वॉश कर लिया था. इसके लिए मैंने यूज किया ये बायोडर्मा का सीबम जेल मोशन फेस वॉश. ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फेस वॉश है. सो हमारा नेक्स्ट स्टेप है टोनर. तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ खादी एसेंशियल का प्योर वाइल्ड रोज वाटर. मैं इसको एज अ टोनर अप्लाई करूंगी. सो गाइस मेकअप करने से पहले ना हमें स्किन केयर जरूर से करना चाहिए, स्किन को अच्छे से प्रेप करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्किन ना हेल्दी लगती है और बेस भी हमारा अच्छा आता है. सो स्किन को 5 मिनट्स तक हमें अच्छे से प्रेप करना चाहिए. सो मैं इसको 1-2 मिनट्स तक ऐसे ही रहने देती हूँ और स्किन में ऑब्जर्व होने देती हूँ. नेक्स्ट स्टेप हमारा है सीरम. तो मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ द ऑर्डिनरी का फेस सीरम. सो हम थोड़ा सा ड्रॉप लेके पूरे फेस पर हम अच्छे से अप्लाई करेंगे सर्कुलर मोशन में. सो गाइस आप कोई भी तरह के सीरम यूज कर सकते हो, गुड वाइब्स के भी सीरम अच्छे आते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैं ये वाला सीरम यूज कर रही हूँ. मैंने ये नायका से परचेस किया था. तो मैंने स्किन केयर के जो जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज किए इन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी. नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजर. इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ सेटाफिल डैम मॉइस्चराइजर. अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है. मैं इसको डेली बेसिस पर यूज करती हूँ. सो गाइस ये हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है. ये डर्मेटोलॉजिकल रेकमेंडेड है फॉर ऑल स्किन टाइप, मतलब आपकी कोई भी तरह की स्किन हो आप इसे आराम से यूज कर सकते हो. सो गाइस यहाँ पे हमारा स्किन केयर हो गया है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेकअप. तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा प्राइमर. तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ नायका का प्रेप मी अप प्राइमर. सो गाइस ये जेल बेस्ड प्राइमर आता है. ये आपकी स्किन में जहाँ जहाँ पे भी आपको ओपन पोर्स लगे वहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है, स्पेशली टी जोन पे. इससे ना हमारे जो पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, ब्लर आउट हो जाते हैं, जिससे हमारा बेस अच्छा लगता है. सो प्राइमर जरूर से लगाया कीजिए. आज मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो. सो मैं यहाँ पे लिप बम लगाना भूल गई थी, इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये टेक का इंडियन रोज लिप बटर. इसमें रियल रोज पेटल ऐड किए हुए गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा लिप बम है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है इसकी. सो गाइस जैसे कि मैंने आगे बताया आज मैं कोई भी तरह का फाउंडेशन, कंसीलर, सीसी क्रीम कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाली हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्पैक्ट से ही पूरे का पूरा मेकअप करने वाली हूँ. सो गाइस मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट अप्लाई करूंगी. इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर इन दी शेड NC42. ये मेरी स्किन टोन से परफेक्ट मैच करता है. ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट पाउडर है. अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में चाहिए तो आप मेबलिन शुगर या लैक्मे का भी यूज कर सकते हो. गाइस मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी मुझे डार्क स्पॉट्स नजर आते हैं वहाँ पे मैं थोड़ा और अप्लाई करूंगी ये कॉम्पैक्ट पाउडर. तो मैंने एक साइड पे अप्लाई कर लिया है और दूसरे साइड में नहीं किया है, तो आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो. सो गाइस मैं पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करूंगी. नेक्स्ट स्टेप है हमारा लूज पाउडर. तो मैंने यहाँ पे मेबलिन फिट मी का लूज पाउडर यहाँ पे यूज किया है और मैं इसको अंडर आई एरिया पे अप्लाई करूंगी. और हम जहाँ पर भी ब्रॉन्जर अप्लाई करते हैं, कॉन्टर करते हैं, इसके एग्जैक्ट नीचे अप्लाई करूंगी, क्योंकि हम आज कंसीलर नहीं यूज कर रहे इसीलिए मैंने ये अप्लाई किया है. सो गाइस जब तक ये हमारी स्किन में अच्छे से सेट ना हो जाए तब तक हम हमारी आईब्रोज को फिल करेंगे. इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फैशन कलर का आईब्रो पैलेट. इसमें 2 शेड आते हैं और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का आईब्रो डिफाइनर ब्रश. तो हम हमारी आईब्रोज को जो आईब्रो लाइन है इसको ही हम ड्रॉ करेंगे और इसे अच्छे से फिल करेंगे. सो गाइस दोनों आईब्रोज में आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हो. सो गाइस यहाँ पे हमारी आईब्रोज हो गई है. अब हमने जो लूज पाउडर अप्लाई किया था इसे हम एक ब्रश की हेल्प से क्लीन करेंगे.
सो गाइज आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्रॉन्जर। सो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ हुला बेनिफिट का ब्रॉन्जर, बहुत ही अच्छा ब्रॉन्जर है गाइज। सो हम इसे चीक बोन के नीचे अप्लाई करेंगे जहाँ पे शेडो पड़ती है, और थोड़ा सा फोरहेड पे और चिन एरिया पर अप्लाई करेंगे। इसे हम थोड़ा सा नोज पर भी अप्लाई करेंगे। सो गाइज यहाँ पे हमारा ब्रॉन्जर हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ब्लशर। इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैक का ब्लशर इन दी शेड ब्रिजी। तो मैं यहाँ पे क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी। सो गाइज मैंने यहाँ पे इसे चीक बोन पे, नोज पे और चिन पे अप्लाई कर लिया है, और पाउडर से हम इसे सेट करेंगे। सो गाइज इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी हाइलाइटर। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का कॉन्टोर ब्लश और हाइलाइटर पैलेट। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है गाइज, जिसे हम चीक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड्स बो पे और थोड़ा सा चिन पे अप्लाई करेंगे। सो गाइज हमारा बेस ऑलमोस्ट हो गया है। इसके बाद बारी आती है आई शेडो की। तो मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का ये पैलेट ले रही हूँ, और इसमें से मैं ये लाइट पिंक कलर यहाँ पे ले रही हूँ। सो इसको अप्लाई करने के लिए मैंने लिया है ये मॉर्फी का ब्लेंडिंग ब्रश। तो इसकी हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं ये वाला थोड़ा सा डार्क पिंक शेड लूंगी और इसे अपने क्रीज लाइन पर अप्लाई करूंगी और अच्छे से इसे ब्लेंड करूंगी। सो गाइज ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आई मेकअप में। सो गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड यहाँ पे ले रही हूँ और आउटर वी पर अप्लाई करूंगी और इसे ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट मैं ये वाला पिंक शिमरी शेड ले रही हूँ और इसे आईबॉल पे अप्लाई करूंगी अच्छे से। सो गाइज इसके बाद मैं ना ये थोड़ा सा ग्लिटरी शेड मैंने लिया था, रोज गोल्ड टाइप था, तो मैं उसको मिडल ऑफ द आईबॉल पर अच्छे से अप्लाई करूंगी। इसके बाद मैंने जो क्रीज लाइन पर जो शेड अप्लाई किया था वो ही मैं वाटर लाइन के थोड़ा सा नीचे अप्लाई करूंगी और ये ब्लैक कलर के शेड को लेके इन दोनों शेड को आपस में मर्ज कर दूंगी। सो गाइज मैंने आज काजल यूज नहीं किया है। इसके बाद मैं ये वाले शिमरी शेड को लेके अपने इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई करूंगी और थोड़ा सा ब्राउ बोन पर अप्लाई करूंगी। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। तो बहुत ही अच्छा वाटरप्रूफ मस्कारा है ये। मैं आपको जरूर से रेकमेंड करूंगी कि आप ये वाला मस्कारा यूज करें। तो मैं इसे अपर लैश और लोअर लैश पर अप्लाई करूंगी। सो गाइज यहाँ पे मेरे हाथ बहुत ही ज्यादा डर्टी हो गए थे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का ये मेकअप रिमूवर वाइप्स। इससे मेरा मेकअप आसानी से रिमूव हो गया था पूरा का पूरा। सो गाइज नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है लिप लाइनर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मैक की लिप लाइनर यूज की है। सो मैं इसे अच्छे से लिप लाइन को ड्रॉ करूंगी। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। सो गाइज मैं यहाँ पे शुगर की लिपस्टिक अप्लाई करूंगी इन दिस शेड 03 10 फैन। तो गाइज ये लिक्विड लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है, स्मज प्रूफ लिपस्टिक है। सो गाइज यहाँ पे हमारा मेकअप हो गया है डन। इसके बाद मैं एसेसरीज को वेयर करूंगी। तो आज मैं सभी ऑक्सोराइज की एसेसरीज वेयर करूंगी। सो गाइज मैं यहाँ पे ब्रेसलेट पहन रही हूँ, मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। इसके बाद मैं डालूंगी बैंगल्स, तो मैंने ये अमेजोन से बाय किया था। सो मैं इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट मैं ये इयररिंग्स पहन रही हूँ, ये भी मैंने कोई लोकल शॉप से बाय किया था। मैं यहाँ पे एक रिंग वेयर कर रही हूँ, ये भी मैंने अमेजोन से बाय किया था, पर लेकिन बहुत टाइम हो गया। इसकी लिंक मुझे मिल जाती है तो मैं जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद मैंने वेयर किया था नथ। पता नहीं क्यों आज मुझे नथ पहनने का बड़ा मन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे नथ पहन लिए। अब कैसी लग रही थी मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, लेकिन मैंने पहन लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई थी और मेरे हेयर को ओपन कर दिया था। तो मैं सोच रही थी कि कोई हेयर स्टाइल करूँ, लेकिन कोई हेयर स्टाइल भी ध्यान में नहीं आ रहा था, तो मैंने हेयर को ओपन ही रख दिया। बाद में मैंने हेयर स्टाइल किया, मतलब हाफ कोन ही कर दिया था। सो गाइज मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी। तो आप रक्षाबंधन पे आराम से ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, 5 मिनट्स में आराम से हो जाएगा। सो गाइज आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करना। सो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू, सी या।